हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स नोट्स के साथ में। यहाँ हम आपको बता दें कि हम यहाँ आपको एलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक चार क्लासेस मैं आपकी ले चुकी हूँ या कहीं चार क्लासेस में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम क्लास 5 के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आपको मेरा कलेक्शन पसंद आ रहा है या आप चाहते हैं कि इस तरीके का कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। यदि एबीसी किसमें हो, एपी में हो, मींस किसमें है, एबीसी समांतर श्रेणी में है, बीसीए गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सी ए बी हरात्मक श्रेणी में होंगे। ये हमें नॉट अ बिग टास्क टू रिमेम्बर। ए बी सी एपी में हो, बी सी ए जीपी में हो, तो सी ए बी एचपी में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप करने जा रहे हैं। यदि एक्स वन जेड एपी में हो, एक्स टू जेड जीपी में हो, तो एक्स फोर जेड एचपी में होता है, यानी हरात्मक श्रेणी में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि a टू दी पावर x इज इक्वल टू हो, b टू दी पावर y इज इक्वल टू हो, c टू दी पावर z इज इक्वल टू हो, d टू दी पावर u, तब a b c d और साथ में a b c d gp में भी हो, तो ये जो x y z और u है ना, ये hp में होते हैं, यानी हरात्मक श्रेणी में होते हैं। अगला हम देखते हैं कि यदि हमारे a1 a2 a3 समांतर माध्य पद हैं, h1 h2 h3 हरात्मक माध्य पद हैं, किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो ए वन एच थ्री बराबर होता है ए टू एच टू के और बराबर होता है ए थ्री एच वन के, और ये तीनों किसके बराबर होते हैं, ये तीनों बराबर होंगे हमारे एक्स वाई के। अगला हम देखते हैं कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी हरात्मक श्रेणी में है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है -3√ac। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, यानी गुणोत्तर माध्य m गुना हो उनके हरात्मक माध्य का, तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे ए रेशियो बी होता है एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस वन और एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस के वन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए बी सी एच पी में हो, यानी हरात्मक श्रेणी में हो, तो वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस सी, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस ए, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए प्लस बी भी हरात्मक श्रेणी में होते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास 5 तक हमने कवर की एपी जीपी एचपी। यहां तक हमारी एपी जीपी कवर एचपी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरीके के एलजेब्रा के कलेक्शन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।